हे गाइस, कैसे हो आप सब। प्रणिपात मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप में से बहुत लोग काफ़ी बार ये पूछते रहते हैं कि आर्ट कॉलेज में जो एडमिशन टेस्ट है उसको क्वालिफाई कैसे करें, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे लें। तो गाइस, हालांकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर भी 2022 में आप कैसे प्रिपरेशन ले सकते हो उसके ऊपर स्पेसिफिक करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आप प्रिपरेशन लोगे वो किस चीज़ के ऊपर लोगे, क्योंकि आर्ट कॉलेज में जो एडमिशन टेस्ट होती है वो मेनली 3 फेजेस में होती है। आप इसको कह सकते हो 2 फेज भी कह सकते हो, लेकिन 3 चीज़ों के आपको ज्ञान होना पड़ेगा। मेनली आपको एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब जो आप ड्राइंग करते हो, हाथ से बनाते हो, जो भी आर्ट वर्क, वो होती है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज। और एक होती है थियोरिटिकल नॉलेज, जो कि होती है आपके ब्रेन की नॉलेज, मतलब आप लिख सकते हो या फिर कोई भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो इसके लिए पहले जो आपको टेस्ट देना पड़ता है वो होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। आप कोई भी डिपार्टमेंट चूज़ कर रहे हो उसका आर्टवर्क तो आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं बाद में बताती हूँ क्या करना पड़ता है आपको। लेकिन बेसिक जो आपको करनी पड़ती है वो है बेसिक स्केच, बेसिक ड्राइंग। तो ये आप जो भी डिपार्टमेंट चूज़ कर रहे हो, कोई भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आपको बेसिक ड्राइंग करनी पड़ती है। उसके लिए आप मेनली ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस करो, एनिमल फिगर प्रैक्टिस करो, मेनली फिगरेटिव ड्राइंग प्रैक्टिस करो। उसको ज़्यादा ब्लेंडिंग करके, जो पेंसिल स्केच वगैरह होती है, ब्लेंडिंग, रियलिस्टिक फॉर्मेशन, वैसा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल स्केच प्रैक्टिस करो, पेंसिल से जो स्केच होती है, फ्री हैंड स्केच, लाइन ड्राइंग वाला स्केच, वैसा स्केच आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। कोई भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आपको ये सारे ड्राइंग करने आने चाहिए। काफ़ी लोग पूछते हैं उनको सिर्फ पोर्ट्रेट ड्राइंग आती है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वैसा नहीं होता, क्योंकि आपको एडमिशन टेस्ट में कभी पोर्ट्रेट ड्राइंग करने को नहीं देंगे, फुल फिगर ड्राइंग करने को देते हैं। ह्यूमन फिगर हो सकता है, वो आपके लाइव जो मॉडल होती है, लाइव एक फिगर बैठी होती है, उसको देखकर ड्राइंग करने को दे सकते हैं, या फिर इमेजिनेशन जो थॉट होती है उसके ऊपर बेस करके आपको कंपोजिशन ड्राइंग करने को दे सकते हैं, जो कि फिगरेटिव ड्राइंग होती है, मतलब 3 फिगर 4 फिगर कोई भी ह्यूमन फिगर बोल देंगे। उसके साथ एनिमल फिगर भी ड्राइंग करने को बोल सकते हैं। तो 2 टाइप का ड्राइंग आपको करनी होगी। एक होती है लाइव जो ड्राइंग, जो हम देख के बनाते हैं, सामने वाला कोई भी फिगर हो, इसके लिए आप आउटडोर में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी पार्क हो, स्टेशन हो, बाज़ार हो, कहीं पे जाके जो लोग रेस्ट करते हैं, बैठे हुए रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, 10 मिनट में 5 मिनट में 20 मिनट्स में, जितना जल्दी जल्दी आप बना सकते हो फ्री हैंड स्केच, वैसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एनिमल भी कर सकते हो, कुछ एनिमल बैठे होते हैं, वो डॉग हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, कुछ भी, उनको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉर्मली फ्री हैंड स्केच, आउटलाइन और जो लाइन ड्राइंग होती है वैसा वाला स्केच। और एक टाइप के ड्राइंग होते हैं जो होते हैं इमेजिनेशन थॉट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट कंपोजिशन यानी कि कोई टॉपिक बता दिया जाएगा, उसको थॉट करके अगर आपको कोई भी सीनरी क्रिएट करनी होती है, तब आपके इमेजिनेशन पावर काम आती है। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कंपोजिशन प्रैक्टिस करो, कोई भी टॉपिक के ऊपर, बाज़ार का सीन, कोई इवेंट हुआ है, मेला लग रहा है, कोई गाँव का सीन, शहर का सीन, रोड साइड सीन, कोई भी इवेंट हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, या फिर पेड़ लगाई जा रही है, पेड़ काटी जा रही है, या फिर पॉल्यूशन फैल रहा है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, मतलब हज़ार हज़ार टॉपिक होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर बेस करके आपको कोई भी 2 या 3 टॉपिक बता दिया जाता है ऑप्शनल, उसके ऊपर बेस करके आपको इमेजिन करके 2-3 फिगर ऐसे दिखानी पड़ती है कि वो एक्शन या फिर वो टॉपिक आपको समझ में आए। तो ऐसे टाइप के ड्राइंग भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये हो गए दोनों ड्राइंग। तो कोई भी आर्ट कॉलेज में आप जाओ, इन दोनों में से कोई एक आपको दे सकते हैं। और एक और मैं बता दूँ, स्टिल लाइफ, जो कि आपको लाइव ड्राइंग के अंदर ही आती है वो, तो मैं इसको भी इंक्लूड कर देती हूँ। लाइव ड्राइंग में सारे के सारे चीज़ आएंगे, ह्यूमन लाइव हो सकती है, एनिमल हो सकती है, लाइव जो स्टिल लाइफ होती है, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट, वो भी लाइव ड्राइंग हो सकती है। तो आप इन सारे ड्राइंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं गाइज, डिपार्टमेंटल वर्क। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताई है, आपको डिपार्टमेंट चूज़ करनी होती है, आप कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहते हो आर्ट कॉलेज में, किस में आपको इंटरेस्ट है, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, डिज़ाइन डिपार्टमेंट, वुड कर्विंग, लेदर डिज़ाइन, या फिर कंप्यूटर ग्राफिक, किस में आपको इंटरेस्ट है, आप उस टाइप के वर्क्स भी आपको प्रैक्टिस करने होंगे। अगर आप पेंटिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो वाटर कलर प्रैक्टिस करो, अगर आप स्कल्पचर में जाना चाहते हो तो क्ले से बनाया हुआ 3D मॉडल, रिलीफ, ये सारे प्रैक्टिस करो। अगर आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, डिज़ाइन बनाना प्रैक्टिस करो। अगर आप ग्राफिक, कंप्यूटर ग्राफिक अपने डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो आप लोगो बनाना, ये सारे पोस्टर मेकिंग, ये सारे चीज़ प्रैक्टिस करो। और इसके साथ साथ कंपोजिशन आपके मस्ट है। तो गाइस, ये हो गया प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन ले सकते हो। तो आप में से बोल सकते हो कुछ लोग कि कितना दिन लगता है प्रिपरेशन लेने में, तो देखिए ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आप बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत दिनों से, अगर आप क्लास 8, 9, 10 या फिर क्लास 6, 7 ऐसे समय से अगर आप ड्राइंग प्रैक्टिस करते आ रहे हो आर्ट कॉलेज में जाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जो भी आप प्रैक्टिस करो, जिस भी आर्ट स्कूल में, ड्राइंग स्कूल में आप जाओ, जो भी वहाँ पर करने को दे वो तो करो आप, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उसको आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आर्ट कॉलेज में यही सारे आपके एडमिशन टेस्ट में दिए जाते हैं। और अगर आप स्पेशल प्रिपरेशन लेने की बात करो कि कितने दिन लगते हैं प्रिपरेशन लेने के लिए, तो देखिए अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस के अंदर ही हो, ड्राइंग बहुत बचपन से करते हो, खुद से करते हो, देखिए मैं यहाँ पर कंपलसरी नहीं बोल रही हूँ कि आपको ड्राइंग स्कूल में जाना पड़ेगा, आपको ड्राइंग टीचर के पास जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। मैं बचपन से कभी भी ड्राइंग स्कूल नहीं गई, ठीक है। अगर आप खुद से ही ड्राइंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो खुद से ड्राइंग बनाते हैं, खुद से ही प्रैक्टिस करते हैं, तो आप करो। उसके साथ साथ जब भी आपका क्लास 12 का एग्ज़ाम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको 3 महीने 4 महीने मिलते हैं रिजल्ट आउट के पहले, उस वक्त आप एकदम बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, तो आपके जो प्रैक्टिस वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपने पहले साल HS पास किया है, पहले साल आपने आर्ट कॉलेज में अप्लाई किया था, अगर आपका वाइवा में सिलेक्ट हुआ था या फिर नहीं हुआ था, अगर आपने एक बार ऑलरेडी आर्ट कॉलेज में अप्लाई कर दिया है, तो फिर जो बाकी के एक साल उसके बाद जो आपके टाइमिंग होते हैं, वो सारे टोटल एक साल आप फिर से प्रैक्टिस करो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मतलब इस ईयर आप फिर से अप्लाई करो, तो ऐसे करके आप जो प्रिपरेशन वो ले सकते हो। इसके बाद आती है गाइज थ्योरिटिकल और वाइवा के लिए जो थ्योरिटिकल नॉलेज होती है उसके बारे में। तो गाइज इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाई है कि वाइवा के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन लेना है, वहाँ पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थ्योरिटिकल में दो टाइप के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, कुछ कॉलेज में जो रिटर्न एग्ज़ाम वो लिए जा सकते हैं, कुछ कॉलेज में रिटर्न एग्ज़ाम नहीं लेते, डायरेक्टली वाइवा लेते हैं सिलेक्शन के बाद। तो इसके लिए आपको मेनली जो ज़रूरत होगी वो होगी नॉलेज आर्ट के ऊपर, मतलब थ्योरिटिकल नॉलेज, आपको कुछ बुक पढ़नी होगी। स्पेसिफिक करके कोई बुक है नहीं, अगर आप पूछोगे तो मैं पहले ही बता देती हूँ, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, गूगल से आप नोट कर सकते हो, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। जिस आर्ट कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करो, कोई भी ड्राइंग हो उसके बेसिक्स होते हैं, मतलब स्केच किसे कहते हैं, शेडो किसे कहते हैं, और पेंटिंग किसे कहते हैं, ड्राइंग किसे कहते हैं, कलर किसे कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, ठीक है, लाइन किसे कहते हैं, तो ऐसे कुछ जो डेफिनेशन होती है इसको आप सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, नोट कर सकते हो। इसके बाद आती है आपके डिपार्टमेंटल वर्क, आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, वहाँ पर किस टाइप के वर्क्स हो सकते हैं, उस वर्क को कैसे बनाई जाती है, किस टाइप के मटेरियल ज़रूरत पड़ती है, कैसे इक्विपमेंट या फिर आपके टूल्स लगते हैं, उन सारे के बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो। इसके बाद आती है आर्टिस्ट के ऊपर, तो आप बहुत सारे आर्टिस्ट के बारे में जानो, कौन से डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो स्पेसिफिक उस डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट के बारे में भी जानो, पहले जो आर्टिस्ट हुआ करते थे बहुत पुराने वाले उनके बारे में जानो, प्रेजेंट कौन से आर्टिस्ट बहुत फेमस है या फिर वर्ल्ड वाइड कौन से आर्टिस्ट बहुत बड़े हैं, जो बहुत क्या बोलते हैं, जो कि पास्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनके आर्ट बहुत फेमस है, कुछ फेमस आर्ट वर्क जो कि काफ़ी फेमस है, जैसे कि मोनालिसा पेंटिंग, बैंकॉक पेंटिंग, तो काफ़ी फेमस फेमस पेंटिंग है, उनके फेमस आर्टिस्ट भी है, तो इनके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। और गाइज इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा टिप्स मैं देना चाहूँगी, अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा सीनियर है, कोई ऐसे आपके सर है या फिर टीचर्स है, कोई भी लोग है जो आर्ट कॉलेज में पढ़ते होंगे या फिर पढ़े होंगे पहले, या फिर वो आर्ट बैकग्राउंड से है, अगर आप उनके जान पहचान में हो, अगर वो आपके बहुत पहचान में हैं, तो उनसे भी बातचीत करो, उनसे कुछ जानने की कोशिश करो, अगर आपको कोई डाउट हो आपके वर्क, आप जो भी प्रैक्टिस करते हो उनको दिखाओ, उनको अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो उनसे पूछो, जो भी जानना होगा आप उनसे बातचीत करो अलग से, तो आपको बहुत सारे नए नए चीज़ भी जानने को मिल सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको डाउट क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्या क्वेश्चन है आपके, क्या जानना चाहते हो। इसके साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और गाइज अगर नए हो मेरे चैनल पर तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ड्राइंग रिलेटेड और आर्ट रिलेटेड ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। सो गाइज ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।